अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको बताया था पंजाब भर के जितने भी तालीमी बोर्ड्स हैं, 9 से 10 ये तालीमी बोर्ड्स बनते हैं, उनके लिए न्यू पेपर पैटर्न उसको बनाने पर गौर किया जा रहा है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 70% आपका हिस्सा जो है MCQs पर मुश्तमिल होगा, जबकि बाकी जो 30% हिस्सा होगा उसमें लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो मुझसे पूछ रहे थे कि ये रियल न्यूज़ है या फिर फेक न्यूज़ है, तो उसी डाउट को क्लियर करने के लिए ये कंप्लीट वीडियो मैंने बनाई है। वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है आप सब के लिए जो कि 2021 के बोर्ड इम्तिहानात जो हैं वो देने जा रहे हैं, तो वीडियो आपने सारी देखनी है ताकि ये अहम बात मिस ना करें। मज़ीद आगे बढ़ूँ उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है आपने, बेल आइकन आपने ऑल पर प्रेस करना है और लाइक ज़रूर किया करें ताकि जो आपके फ्रेंड्स हैं उन तक भी अहम बातें पहुँच सकें अगर वीडियो आपको फ़ायदा दे। तो मैं आपको बताता चलूँ, पंजाब भर में 9 से 10 जो है बोर्ड्स वो आते हैं जिनके लिए ये बताया जा रहा है कि जो MCQs हैं वो बढ़ाए जाने पर गौर किया जा रहा है, और जो कि दूसरे आपके 30% हिस्सा होगा इसमें शॉर्ट क्वेश्चन इंक्लूड किए जाएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो इंक्लूड किए जाएंगे। आप ये जानते हैं कि जो वज़ीर तालीम मुराद रास हैं उनकी जानिब से भी, जबकि शफकत महमूद की जानिब से भी ये बात तस्लीम की गई कि इस साल जो स्टूडेंट्स हैं उनको तैयारी के लिए मुकम्मल टाइम नहीं मिला और उनकी जो तैयारी है वो उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की होनी चाहिए, तो इसीलिए यह ऑप्शन जेरे गौर है कि आपके जो पेपर का टाइम है वो भी कम किया जाए, इसके अलावा जो MCQs हैं उनको बढ़ाया जाए। और आपको मैं ये भी बता दूं कि MCQs वाला हिस्सा जो वो 80% तक भी किया जा सकता है, लेकिन इसका जो हतमी फैसला होना है वो नेक्स्ट जो इजलास होगा बैन-ए-सूबाई वज़ीरे तालीम कॉन्फ्रेंस होगी उसमें किया जाएगा। तो ये आपको मैं बताता चलूँ कि ये जो तजवीज़ है ये ज़ेरे गौर है और 80 से 90% चांसेस हैं कि आपके MCQs वाला हिस्सा बढ़ा दिया जाएगा, टाइमिंग्स आपकी कम कर दी जाएंगी ताकि आपके एग्ज़ाम्स जो हैं वो ले लिए जाएं और किसी किस्म की जो मुश्किलात हैं उनका सामना ना करना पड़े। तो पंजाब भर के जितने भी तालीमी बोर्ड्स हैं उनके लिए ये ऑप्शन ज़ेरे गौर है, हो सकता है सिंध भी अपने पेपर पैटर्न को चेंज कर दे। तो मज़ीद कोई भी अहम अपडेट आएगी इस हवाले से, वेकेशंस के हवाले से या फिर कोई और रियल अपडेट जो होगी इम्तहानात के वाले से, तो आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। तो विज़िट करते रहना अपने चैनल पर और शेयर किया करें वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, आके उनको भी यह बातें पता लगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखना अपने। अल्लाह हाफिज़।